बयान कभी भी बयान आया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाना, हमारे खान पान पे उनको पेट में दर्द होता है, इबादत करने पे उनको पेट में दर्द होता है, हमारे लिबास के ऊपर उनको पेट में दर्द होता है, हमारी दाढ़ी पे उनको पेट में दर्द होता है, क्यों दर्द हो रहा है? यहाँ पर दर्द इस बात का है कि वो लोग इसमें इनके नाम पे सियासत कर रहे हैं, उसको छोड़कर उनका दूसरा काम नहीं है। ये देश जो है, मुल्क, हमारा मुल्क संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, वो संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा। और वो संविधान में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में तमाम जितने भी मजहब हैं इस मुल्क में, तमाम लोगों को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का इख्तियार है। और उसी आर्टिकल 25 के तहत आज यहाँ पर चाहे मुस्लिम रहने दो, हिंदू रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, तमाम मजहब के लोग अपने अपने मुताबिक अपने अपने इबादत गाहों के अंदर आप इबादत करते हैं। और यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा माहौल बना रहे हैं पूरे मुल्क भर में, ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि पूरे मुल्क भर में, स्पीकर को लेकर, अजा को लेकर, हलाल और झटका कट को लेकर, मुख्तलिफ चीज़ों को सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये पूरे लोग काम कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 15% है, और यहाँ पर कभी उसमें वो लोगों ने हिंदू के लिए, हिंदुओं के नौजवानों के बेहबूदी के लिए, उनके रोज़गार के लिए अभी तक कोई बयान नहीं आया। बयान कभी भी बयान आया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाना, हमारे खान पान पे उनको पेट में दर्द होता है, इबादत करने पे उनको पेट में दर्द होता है, हमारे लिबास के ऊपर उनको पेट में दर्द होता है, हमारी दाढ़ी पे उनको पेट में दर्द होता है, क्यों दर्द हो रहा है? यहाँ पर दर्द इस बात का है कि वो लोग इसमें इनके नाम पे सियासत कर रहे हैं, उसको छोड़कर उनका दूसरा काम नहीं है। यहाँ पर एक आदमी यहाँ पर गुलबर्गा का, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि उसकी औकात नहीं है, मैं वो कहता है कि 8 तारीख तक हम डेडलाइन दे रहे हैं। डेडलाइन देने के लिए मुल्क तुम्हारी बात की जागीर नहीं, ये मुल्क तमाम लोगों का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका है, तुम कोई किसी को बोल नहीं सकते। और ये पहली बार ये बयान नहीं दिया है, कई सालों से ये आदमी लगातार बयान दे रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गुलबर्गा के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, 20-25 केसेस रजिस्टर्ड हुए होंगे, 153, 295 ए के तहत केस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन केस रजिस्टर्ड करने के बाद वो बेल लेता है, बेल के अंदर कंडीशन डाला जाता है कि ये सिमिलर अफेंस को रिपीट नहीं करना एक कंडीशन होता है, उसके बावजूद भी वो बेल के बाहर निकल कर बाहर आता है, फिर वही बयान देता है, फिर उसी तरह से वातावरण दो धर्म के बीच, दो जातियों के बीच में दुश्मनी पैदा करने का काम फिर से वही काम कर रहा है। तो ऐसे आदमी को केस, छोटे मोटे 153 केस नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो राणा कपल को वो केस रजिस्टर्ड करे सेडिशन के अंदर 124B के तहत, उनको वो केस के अंदर रजिस्टर्ड करके उसको जेल को भेजना होगा। और ये एक हिंदू जैसा हमारे एल सिंह साहब ने कहा है कि वो भी एक टेररिस्ट आतंकवादी है जो मुल्क की फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को वो स्वामी कहता है, स्वामी ऐसे थोड़े होते हैं, सिर्फ भगवा कलर डालने से कोई आदमी स्वामी नहीं होता है। अगर उसको हकीकत में अगर हमदर्दी है तो यहाँ पर यही गुलबर्गा के अंदर कई दलितों के साथ नाइंसाफी होती है, उनके ऊपर जुल्म होता है, उनके ऊपर उनके रेप होता है, लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है, कई दलितों को वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। उस वक्त किसी दिन वो दलितों के हक में कभी बात नहीं किया, कभी भी हिंदू जो बेरोजगार नौजवान हिंदू नौजवान हैं उनके हक में कभी बात नहीं किया, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई उनको रोज़गार देने की, कभी यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पर कोई चीज़ के बारे में वो कभी आवाज़ नहीं उठाता है, सिर्फ आवाज़ अगर उठाता है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, और वो सियासत करना चाहता है, शायद इसीलिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर पीसफुल माहौल है, यहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ कायम है, एक तरफ शरण बसवेश्वर है, दूसरी तरफ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज है, और बुद्ध विहार यहाँ पर है, यहाँ तमाम लोग मिलकर रहते हैं इस गुलबर्गा शहर में, और यहाँ पर कभी किसी बात लॉ एंड ऑर्डर का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ये आदमी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके ताल्लुक से यहाँ पर दलित सेना के जानिब से उनको कंप्लेंट दिया गया है, एसपी के पास कंप्लेंट दिए हैं, डीसी के पास कंप्लेंट दिए हैं, आरसी के पास कंप्लेंट दिए हैं, और हम उनको एडवांस में कह रहे हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि उसको 153A और 295A केस डालकर उसको सिर्फ रजिस्टर्ड करना बेकार है, उसको सेडिशन केस में डालना होगा, और
लॉयल नेशनल इंटीग्रेशन को कायम रखना इस देश के हर सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पर फंडामेंटल राइट है वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी भी है। नेशनल इंटीग्रेशन को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मेरी या ये चार लोगों की नहीं है, इस देश के हर सिटीजन की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन यूनिटी मेंटेन रहे। और उसके अंदर अगर चाहता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए।